हे गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग सबको। आज है हमारा डे टू ऑफ बीच बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। आज थोड़ा सा मुझे सुबह उठने में मुश्किल हुई बिकॉज रात भर मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब की एडिटिंग में लगा रहा। आपको पता है सबको कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब की एडिटिंग बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। वीडियो बनाने में तो 2 से 4 मिनट ही लगते हैं, लेकिन जो एडिटिंग कटिंग करनी होती है वो बहुत टाइम लगता है। जैसे तैसे उठकर हमने किया अपने सबसे पहले अपना बॉडी वेट चेक। तो आज का बॉडी वेट था हमारा 75.1 किलो, जो कि कल से था 1.3 किलो कम। मीन्स 1300 ग्राम वेट हमारा कम था। तो इससे पता चलता है कि मेरा 76.4 कल था, 75.1 आज है। तो इतनी जल्दी बॉडी मेरे कार्ब्स को रिएक्ट करती है, बिकॉज मैं लो कार्ब्स पी हूँ तो बॉडी जितनी बार जल्दी वाटर वेट लूज कर देती है। तो उसके बाद उठकर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अपना फास्टिंग कार्ड। लेकिन आज सुबह से ही लाइट का कट था हमारे एरिया का, पहले से ही अखबार में आ गया था, न्यूज़पेपर में शो कर दिया था उन्होंने। सो ट्रेडमिल की जगह मैंने यार अपना साइकिलिंग किया। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है साइकिलिंग का कि इसमें आप एकदम अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, एकदम आप इंटेंसिटी को गिरा भी सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा लो इंटेंसिटी से शुरू करता हूँ, देन मैं मीडियम इंटेंसिटी पे जाता हूँ। मीडियम का मतलब मैं अपनी हार्ट बीट को 80-100 बीट्स पर मिनट पे रखता हूँ। उसके बाद फिर मैं हाई इंटेंसिटी पे जाता हूँ, वो सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए कार्डियो करता हूँ, सुपर इंटेंस हाई इंटेंसिटी कार्डियो का, जो कि मेरी 140 बीट्स पर मिनट के ऊपर होता है। हाई इंटेंसिटी 5 से 10 मिनट में इसलिए रखता हूँ बिकॉज वो मेरे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, मेरे मेटाबॉलिज्म को हाई करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। साथ में मेरे थायराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को वो कंट्रोल में रखता है। सो अगर आप न्यूबीज हैं तो आप लो टू मीडियम इंटेंसिटी रखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो आफ्टर 20 मिनट्स फैट बर्निंग जोन में आती है। कहने का मतलब है कि 20 मिनट के बाद आपके बॉडी में फ्री फैटी एसिड्स यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ ग्लाइकोजन। सो फ्री फैटी एसिड्स का मतलब कि आपकी बॉडी फैट को काटना शुरू करती है। सो कोशिश करें कि अराउंड 40-45 मिनट्स मिनिमम आप कार्डियो रखें, चाहे आपका कोई भी बॉडी फैट परसेंटेज है। इसके बाद हमने किए अपने अपर एब्स और लोअर एब्स को ट्रेन। अमेजोन से पहले से ही मैंने रेजिस्टेंस बैंड्स को मंगवा कर रखा हुआ है। इसके साथ मैंने इसको परफॉर्म किया नीलिंग क्रंचेस। कोशिश करें कि अपनी एल्बोज को आप अपने नीज के साथ तक लेकर जाएं। इसके बाद टोटल अपने एब्स को स्क्वीज करें, ब्रीद आउट करें। इसके मैंने 3 सेट लगाए हैं अप टू फेलियर, मींस मैंने रैप्स नहीं गिने जितने मेरे लग सकते हैं 20-25, बिकॉज ये टोटल अपने एब्स को स्क्वीज करता है, पूरा फील आता है। इसके बाद फिर हमने लगाया फ्लैट बेंच क्रंचेस। इसके मैंने अप टू फेलियर रेपिटेशंस लगाए। कोशिश करता हूँ कि पूरा अपना स्क्वीज करूँ और अपने अपर एब्स को ब्रीद आउट करूँ ताकि प्रॉपर एब्स में माइंड एंड मसल कनेक्शन बन सके। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज थी मेरी लोअर एब्स की। लोअर एब्स में मैंने सिंपल लेग रेजेस लगाए, रेपिटेशन थे मेरे 15 से 20, 3 सेट। सो ये 3 एक्सरसाइज मैंने अपने वर्कआउट में ऐड की। 15 से 20 मिनट के कूल डाउन फेज के बाद मैंने अपना पहला मील लिया। आप देख सकते हैं कि मैं 30 ग्राम ऑफ ओट्स ले रहा हूँ। टोटल मैं मेजर करके खाता हूँ बिकॉज जब भी हम कटिंग करते हैं तो मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 30 ग्राम ओट्स में मुझे मिल जाएंगे अराउंड 10 से 12 ग्राम कार्ब्स। और ये मैं पानी में डालूंगा, मैं दूध में नहीं डालूंगा बिकॉज मिल्क में कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन से ज़्यादा मिल्क में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है हमेशा। ये मैं पानी में डाल के इसको बनाऊंगा और इसमें मैं ऐड करूंगा 25 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन। एंड हाँ, एक और पते की बात मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने 30 ग्राम है तो मैं 32 ग्राम पर लूँगा, बिकॉज 1-2 ग्राम थोड़ा सा कढ़ाई के साथ लग जाएगा और देन थोड़ा सा जिस बर्तन में हम खा रहे हैं उसके साथ लग जाएगा। सो अगर आप 30 ग्राम ले जाएं तो 1-2 ग्राम ऊपर दीजिए ताकि आपका टोटल मैक्रोस कंप्लीट हो जाए। पहला मील लेने के बाद हम चले गए गुरुद्वारा में माथा टेक। अगर एक सच बात बताऊं तो सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग है, इतना बार देखना पड़ता है कि कितने व्यूज़ आ गए, कितने लाइक्स आ गए, इतना ज़्यादा ये डिप्रेसिंग है। तो उसके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लाइफ में हमेशा चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गुरुद्वारे में माथा टेकने जरूर जाऊँ, बिकॉज एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक होप मिलती है सबसे बड़ी बात। वापस आकर किया मैंने अपने ऑफिस का काम, कुछ मीटिंग्स की, कुछ जूम कॉल्स की, अपने मैनेजर को भेजी डेली की रिपोर्ट। तकरीबन 3 बजे हमने लिया अपना दूसरा मील। दूसरा मील मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मील है बिकॉज इसमें मैं ऐड करता हूँ 150 ग्राम्स ऑफ राइस, 200 ग्राम चिकन, 100 ग्राम वेजीज। इसके साथ मैं देता हूँ दही। इसमें मैं ऐड करता हूँ काली मिर्च, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि काली मिर्च एंटी माइक्रोबियल है आपके डाइजेशंस के लिए, आपके गट इश्यूज के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। अगर मैं इसके टोटल मैक्रोज की बात करूँ तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कैलरीज हैं वो 600 कैलरीज, बिकॉज मैंने टोटल काउंट करके खा रहा हूँ। और टोटल जो मैं पूरे दिन की जो मैं कैलरीज ले रहा हूँ वो है अराउंड 2700 से 3000 के बीच, बिकॉज मैं कैलरी डेफिसिट में हूँ। इसके बाद हम चले गए अपना शाम को वर्कआउट करने। आज शोल्डर्स डे था तो सबसे पहले हमने साइड रेज से स्टार्ट किया। इसके मैंने 4 सेट लगाए बिकॉज फर्स्ट एक्सरसाइज है तो मैं 4 सेट से स्टार्ट करता हूँ।
कोशिश करता हूँ कि पूरे अपने फ्लाई की पोजीशन रखूँ, बिकॉज मेरे साइड डेल्ट्स को मैं हमेशा अपने प्रेफरेंस देता हूँ कि जितना बड़ा आपका साइड डेल्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा 3D लुक आएगा। और इसके साथ मैं पार्शियल रैप्स ऐड करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं पार्शियल रैप्स को ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद स्क्वीज और पोजिंग मैं हमेशा रखता हूँ ताकि मेरे अच्छी तरह से पंप आए। दूसरी एक्सरसाइज भी मेरी साइड डेल्ट्स के लिए सिंगल आर्म केबल लेस, इसमें मेरी बैक इलिमिनेट हो जाती है, सिर्फ मेरा साइड डेल्ट्स इन्वॉल्व होगा। अगर इस एक्सरसाइज से आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा साइड में लीन होकर आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। कोशिश करना है कि आप 10 रेपिटेशन प्रॉपर लगाएं विद प्रॉपर माइंड एंड मसल कनेक्शन, और इसके बाद 5 रेपिटेशन आप पार्शियल लगाएं, बिकॉज पार्शियल रेपिटेशन आपको वो पंप देंगे, आपका मसल डिवेलप करेंगे, एक ब्रॉडर लुक देंगे। अगली एक्सरसाइज बिहाइंड द नेक मिलिट्री प्रेस। देखो ये एक्सरसाइज थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सरसाइज है, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे आपकी बैक पेन होगी, आपके सर्वाइकल का इशू हो सकता है। लेकिन अगर आपकी शोल्डर्स की मोबिलिटी अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ पूरा नीचे जा रहा है, अगर आपकी शोल्डर्स की मोबिलिटी अच्छी है तो ये एक्सरसाइज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके रियर डेल्ट को। अगली एक्सरसाइज भी रियर डेल्ट की है। देखो मुझे एक बात ये नहीं समझ आती कि हमारे इंडिया में कोचेज ने कभी रियर डेल्ट की एक्सरसाइज क्यों नहीं लगवाई, हमेशा फ्रंट डेल्ट और साइड डेल्ट को फोकस करते रहेंगे। शायद उनको पता नहीं है कि रियर डेल्ट भी एक कोई मसल होता है। सो हमेशा अपने रियर डेल्ट को फोकस करें। मैंने ये गलती की है, इसलिए मैं रियर डेल्ट वीक रह गया था, लेकिन अब मैं इसको कवर कर रहा हूँ। सो इसके आप 3 सेट लगाएं 15 से 20 रेपिटेशंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये बहुत कम लोगों को पता है, हैमर ग्रिप साइड लेटरल्स। देखो ये हैमर ग्रिप बहुत कम लोग लगाते हैं, ये प्रोफेशनल्स की एक्सरसाइज है जिन्होंने अपना साइड डेल्ट को बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। देखो ये आपके प्रॉपर मोबिलिटी पे काम करती है और आपके साइड डेल्ट से तो मसल मास है बहुत अफेक्टिव तरीके से इंक्रीज करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है, बिहाइंड द नेक बारबल शक्स। ये आपके ट्रेपीजियस मसल्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट ऑन पेपर इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ध्यान रहे कि आपने अपने हेड के पोजीशन को फिक्स रखना, नहीं तो आपके नेक में इंजरी हो सकती है। इसके आप फेलियर तक रेपिटेशन लगाए जितनी आप लगा सकते हैं, और ध्यान में रहे कि जितना आप वेट को प्रॉपरली आप मूव कर सकते हैं उस हिसाब से अपना वेट आप लोड डालें अपनी बॉडी। ये थी मेरी सारी एक्सरसाइज, आप देख सकते हैं मेरी बॉडी की कंडीशन बहुत अच्छा पंप आया है। इसके बाद हम चले गए अपना चिकन ब्रेस्ट लेने। चिकन का जो रेट था वो था आज 260 रुपये किलो। क्योंकि फ्री रेंज या ऑर्गेनिक चिकन खाऊँ, बिकॉज उसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मीट होता है। सो चिकन लेने के बाद हम सीधा गए अपने घर, लिया अपना लास्ट मील, चिकन को किया मैरिनेट, उसके बाद उसको रखा फ्रिज में। उसके बाद हमने उसको अपने सेम मील में वेजीज, राइस, दही, और इसके साथ हमने इसको लिया, और इसके साथ हमने दिन को किया अपना ख़त्म।